दिया, इनके बारे में हम बात करेंगे। हम बायोमेट्रिक एनरोलमेंट और बायोमेट्रिक स्टूडेंट ओनली में प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे। प्रॉपर सपोज मैंने बायोमेट्रिक एनरोलमेंट दिया है, बाय स्टूडेंट ओनली दिया, तो मैंने उनसे ये पूछा कि अपडेट टाइम का क्या सीन है, कितनी देर में अपडेट होता है, क्या डिफरेंस है, और मेरा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। सामने देखिएगा पीछे मेरे इनकम टैक्स क्वार्टर, ये मेन रोड है इधर की, और अगर हम ये देखें प्रॉपरली, देखो ये है रिलायंस, और रिलायंस के ऊपर देखिएगा छोटा सा, देखो कनाडा सीन चल रहा था। मैं कहा होके आगे होगी, बाहर आती है, बाहर क्या सीन होता है, वापस जा रही होती। मैं कहा भाई क्या हुआ, तो वो कहती है कि मना कर दिया इन्होंने। मैं कहा भाई हाँ रिलेशन है, मैंने एक्सप्लिसिटली ये क्वेश्चन पूछा था, क्या अगर बायोमेट्रिक अपडेट लेट होता है या बायोमेट्रिक लेट मतलब लेट आप कराते हो तो उससे क्या वीज़ा डिले होता है। तो उन्होंने मतलब तो अच्छा BIL पे एक अपडेट और कर देता हूँ। तो BIL में मेरे को उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद भी, हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मतलब कल मेरी अपॉइंटमेंट थी बायोमेट्रिक एनरोलमेंट की, तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने उनसे बहुत सारे डाउट्स पूछे, लिटरली वही मेरे से परेशान हो गए थे, इतने सारे डाउट्स पूछे कि VFS ग्लोबल में ये बायोमेट्रिक स्टूडेंट ओनली का कैटेगरी का क्या चक्कर है, बायोमेट्रिक एनरोलमेंट का क्या चक्कर है, कंसेंट फॉर्म का क्या चक्कर है, मैंने कैसे कैसे पूछा, किस किस से पूछा है, मैं आपको प्रॉपर वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। और आगे हम इसमें वीडियो में बात करेंगे मेरे पूरे एक्सपीरियंस की, जो मैंने हैदराबाद में मेरा मतलब बायोमेट्रिक एनरोलमेंट के सेंटर पर हुआ, या VFS ग्लोबल के बायोमेट्रिक एनरोलमेंट सेंटर पर कैसे होता है, और टाइम कितना लगता है, मतलब एक्चुअली टाइम कितना लगा, अगर आपको ट्रेन वगैरह लेनी है, फ्लाइट लेना, तो आप कितने देर का गैप रखें, आप कितना देर का कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसके कंसेंट फॉर्म के कहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे, उनका क्या उन्होंने जवाब दिया, इनके बारे में हम बात करेंगे। हम बायोमेट्रिक एनरोलमेंट और बायोमेट्रिक स्टूडेंट ओनली में प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे प्रॉपर, ठीक है। और फोटोज़ वगैरह इसमें सारी दिखाऊंगा मैं आपको, कहाँ पे क्या सीन था, क्या सीन नहीं था, और बच्चा लेट आया तो उसका क्या सीन था, उसको भगा दिया है नहीं भगाया, कितना लेट चल जाएगा, ये सारी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वीज़ा, मैंने उससे एक चीज़ ये भी पूछी कि वीज़ा क्या बायोमेट्रिक से वीज़ा टाइम पे फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर आप बायोमेट्रिक लेट दे रहे हो तो क्या आपका वीज़ा लेट आएगा, तो ये भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसमें वीडियो में हम ये बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की भी बात करेंगे कि अब आप जब बायोमेट्रिक एनरोलमेंट के लिए जाओगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और हम एक बार इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देख लेंगे कि कौन सी जगह, मतलब ये जो प्रॉपर हैदराबाद का हमारा अगर किसी को जाना है बायोमेट्रिक सेंटर है, तो ये रेलवे स्टेशन से 2-3 रेलवे स्टेशन के नाम बताऊँगा, उनसे कितना किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और एयरपोर्ट से कितना दूर है, ताकि आप जब अपनी चॉइस करें तो ईजिली अपना सेंटर बुक कर सकें, ठीक है। तो हम और इसमें लास्ट में मैं अपना बताऊंगा कि आपको सपोज़ मैंने बायोमेट्रिक एनरोलमेंट दिया है, बाय स्टूडेंट ओनली दिया, तो मैंने उनसे ये पूछा कि अपडेट टाइम का क्या सीन है, कितनी देर में अपडेट होता है, क्या डिफरेंस है, और मेरा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कल दिया था, कल मैंने 10:30 बजे दिया था, तो लगभग अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरा अपडेट हुआ या नहीं हुआ, मेरा बायोमेट्रिक एनरोलमेंट में है, और मेरा कब तक अपडेट होगा या नहीं होगा। लास्ट में रुके रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा बायोमेट्रिक कवर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत परेशान हो गया था, मतलब लोग ही इतना कमेंट कर रहे थे इस चीज़ पे कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा था कि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कर सकते हैं, मैंने लोगों से पूछा, मुझे लगा कर सकते हैं, बट लोगों ने ऐसे कमेंट करे कि हमारा एजेंट कह रहा है ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, ऑफिशियल में दिखाओ कहाँ लिखा है, ये सारी चीज़ें, इतने सारे डाउट्स आ रहे थे ना, मैं ही खुद के लिए परेशान हो गया था, और मैं ही ये परेशान हो गया था, जो उनमें स्टूडेंट्स को मैंने दिखाया है यार उनका काम ख़राब ना हो जाए कुछ, और मैं खुद के लिए भी परेशान हो गया था, लिटरली जो बात है वो है। तो मैंने अच्छे से खुल के उनसे डाउट पूछे, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब ना कराओ, चैनल को सब्सक्राइब ना कराओ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लिटरली मेहनत करते हैं तो मन करता है फिर और अच्छा कंटेंट देने का आपको, सारी चीज़ें मतलब उनसे परेशान होकर लोगों से मैंने चीज़ें पूछी तो और पूछने का मन करता है, और अच्छा कंटेंट देने का मन करता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और छोटी मोटी चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारी छोटी सी स्क्रिप्ट है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि वीडियो यार मतलब बढ़िया वीडियो है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेरा पे यूट्यूब पे मुझे कहीं नहीं मिला ये कंटेंट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या सीन है इन दोनों का, तो वो सारी चीज़ें ऑफिशियल वाले वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और ये बायोमेट्रिक वीज़ा का क्या रिलेशन है वीज़ा टाइम का, ये भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि लोकेशन कहाँ पे है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अपनी जो मैंने बनाई है वहाँ पे। तो भाई फाइनली पहुँच गया VFS के सेंटर जैसे तैसे,
तो भाई इसका क्या हिसाब है हैदराबाद वाले का कि ये रिलायंस डिजिटल है उसके ऊपर छोटा सा लिखा पड़ा है BFS ग्लोबल, तो ऐसे विजिबल नहीं होगा। रोड वगैरह बता दूं तो मैं सामने है इनकम टैक्स क्वार्टर्स हैं, सामने सामने दिखेगा पीछे मेरे इनकम टैक्स क्वार्टर, ये मेन रोड है इधर की। और अगर हम ये देखें प्रॉपरली, देखो ये है रिलायंस और रिलायंस के ऊपर दिखेगा छोटा सा, देखो कैनेडा का साइन बना पड़ा है और BFS ग्लोबल लगा पड़ा है। हाँ कैनेडा का ही साइन है और BFS ग्लोबल है। और यहाँ पे ये साइड में जो है ये लेडी खड़ी है ना, लेडी ये लेडी है और यहाँ की अपनी गार्ड जो बुला रही है बच्चों को 9:30 और 9:40, अभी हो रहे थे 9:22, तो इसने 9:22 पे 9:30 वाले को बुलाया और मेरी अपॉइंटमेंट है 10:30, तो मेरे को भी वही बुला लेगी अपना, मतलब 10:20 तक बुला लेंगी मैडम जी। ठीक है, ये हिसाब है अपना, तो आगे भी देखते हैं क्या होता है। ये है कि मतलब थर्ड फ्लोर पर है ये, यहाँ पर है और इसके बाद ये गार्ड खड़ी हैं यहाँ पे। और ये जो है ना रिलायंस को आप तो दिख रहा है, यहाँ पे वे है और वो जो ब्लैक सी जो मिडिल में दिख रहा है बिल्डिंग के ब्लैक बीच पे, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से ऊपर जाओगे थर्ड फ्लोर पे, वहाँ पे आपको दिख जाए। ये आउटसाइड एरिया था जहाँ पे हम सपोज़ अगर स्टूडेंट्स पहले पहुँच जाते थे तो यहाँ पे बैठ के ना स्टूडेंट्स वगैरह थोड़ा वेट कर रहे थे, ये पाइप लगा हुआ है इस पर बैठ के आपको वेट करना है। अब सपोज़ लेट का क्या सीन है, लेट का सीन बताता हूँ थोड़ा सा, लेट का सीन एक ये बताता हूँ फिर ऊपर डिस्क्राइब करूँगा। एक चीज़ और है, ये जो 9:15 वाले हैं ना, इनको भी ये 9:13 पे बुला रहे हैं, मतलब जो होगा वो शायद आया नहीं होगा, तो ये भी सीन है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट 15 मिनट तक लेट हो गई हो तो चल जाएगी, पर लेट आना नहीं है, ये यहाँ का केस हो सकता है या मतलब इन अ सेंस की मतलब, पर ये है कि ट्राई ज़रूर करना है अगर लेट हो गई कहीं पे भी हो आप तो शायद कर दें अपॉइंटमेंट, ऐसी नहीं है कि घर चले जाना रोके कि अपॉइंटमेंट लेट हो गई। अब मेरे को ना ये मेरी अपॉइंटमेंट थी 10:30 की, मेरे को ये 10:04 AM पे बुला लेते हैं ऊपर कि आ जाओ ऊपर आ जाओ, मेरी अपॉइंटमेंट 10:30 की थी। अब ऊपर आने के बाद मेरे को ऐसे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग पे पहले तो खड़ा कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ सोशल डिस्टेंसिंग में, जैसे ये खड़ा कर रखा है। तो हाँ, तो क्या सीन था, मतलब हम जब 10:08 पे खड़े थे वहाँ पे, तो एक लड़की आती है भागी भागी, तो मैं पूछता हूँ मैं क्या सीन है मतलब, तो मैं कहा अपॉइंटमेंट किस टाइम की थी आपकी, तो वो कहती है 9:45 की। मैं कहा अच्छा 9:45 की अपॉइंटमेंट है, तो मुझे लगा पता नहीं अभी जाने देंगे नहीं जाने देंगे इसको अंदर, चूँकि जब हो रहे थे 10:11, ठीक है 10:11 ऑल अराउंड हो रहे थे, तो ये सीन बैठ रहा था। तो बट उसने उसको मतलब थोड़ा सा बोला कि मैं बस थी मेरी लेट हो गया, मैं 4 घंटे मतलब 4 घंटे की ट्रैवल कर रही हूँ, मैं लेट हो गई ऐसे ऐसे करके उसने कन्विंस करा, तो उन्होंने उसको बुला लिया। अब सीन सुनो इसका, लड़की का सीन सुनते जाओ आगे आगे। अब क्या होता है, उसको लड़की को बुला लिया हमको, जैसे हम ये बाहर सोशल डिस्टेंसिंग में, हमें बाहर सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े रहने दिया और हम बाहर खड़े रहे, मैं अपना फ़ोटो खींचता रहा थोड़े बहुत। और क्या सीन रहा, ये लड़की अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद क्या होता है, इससे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो इसके पास BIL नहीं होता। BIL क्या था, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, ठीक है। अब ये कहती है, वो हंस रहे होते वीज़ा ऑफिसर वहाँ जो मतलब बैठे होते हैं ना, तुम्हारे क्या कहते हैं हैदराबादी एक्सेंट सा आ गया मुझे लग रहा है, मेरा एक दिन दो दिन हैदराबाद रह के। तो वो क्या सीन था, मतलब वहाँ पे जो बैठे होते हैं ना सारे मतलब वीज़ा वाले, वो कि कौन सी कंसल्टेंसी है, कैसे आए हो तुम, मतलब पता नहीं है BIL बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर चाहिए होता है, ऐसे ऐसे सीन होता है। तो फिर वो बाहर आती है, मैं पूछता हूँ मैं कहा क्या सीन है, हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अंदर सीन चल रहा था, मैं कहा होके आगे होगी। बाहर आती है, बाहर क्या सीन होता है, वापस जा रही होती, मैं कहा भाई क्या हुआ, तो वो कहती है कि मना कर दिया इन्होंने। मैं कहा भाई BIL तो चाहिए ही था, बट वो कह रही कि मुंबई में जो है कि BIL के बिना भी ले रहे हैं। मैं कहा नहीं मैं तो ये सीन था, मतलब उसको मिसअंडरस्टैंडिंग थी या पता नहीं जो भी था, बट जो है कि BIL तो लेके ही जाना है, BIL अपॉइंटमेंट लेटर, अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, तो ये सीन हुआ। तो वो इसको उसको ऐसे भेज दिया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि मतलब हम बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन नहीं लेके जाएंगे। 4 घंटे वो ट्रैवल करके आई थी, स्टूडेंट ओनली वाली अपॉइंटमेंट थी उसकी, तो गोल्डन वाली अपॉइंटमेंट, तो मतलब वो अपॉइंटमेंट उसकी मिस हो गई ऐसी फालतू की चीज़ों के चक्कर में। अब हमको क्या, जब वो लड़की जाती है तो हल्के हल्के स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, देखो ऐसे चेकिंग हो रही होती है। अच्छा जब चीज़ जब ये चेकिंग हो रही होती है तो मैं गार्ड को बुलाता हूँ, यहाँ गार्ड खड़ा गार्ड को बुलाता हूँ, मैं कहा क्या सीन है ये मतलब, तो गार्ड भैया बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि आपके फ़ोन आपके बैग में लैपटॉप तो नहीं है, मैं कहा हाँ लैपटॉप नहीं है, तो वो बोलते हैं ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा लैपटॉप होता तो, मैं कहा बताना भी पड़ेगा मेरे को वीडियो में यार, मैं कहा लैपटॉप हो तो होता तो कह रहा लैपटॉप होता, वो कहता लैपटॉप है क्या, मैं कहा नहीं है पूछ रहा हूँ अगर होता तो वो कहता कि आप एक क्या कहते हैं, अगर लैपटॉप होता तो हमें नहीं पता, बट आपको यहाँ पे एक लॉकर है उसके पैसे नहीं पता हमें, उस सेफ्टी लॉकर में रखना पड़ेगा जो कि पेड होता है। मैं कहा अच्छा मतलब लैपटॉप होगा तो आपको उसको पेड लॉकर में रखना पड़ेगा, ये सीन है सिंपल और कोई इशू नहीं है, नॉर्मल बैग होगा उसमें लैपटॉप नहीं है तो उसको आप अंदर
अंदर ले जा सको लगते हो, मैं भी लेके गया था कपड़े अपड़े पता नहीं क्या क्या पड़ा था उसमें, तो कोई इशू नहीं आया। तो इस जब तक इनकी चेकिंग हो रही थी, मैंने ये जो भैया खड़े हैं एक और भैया खड़े गार्ड के अलावा भैया, मैं कहा कंसेंट फॉर्म का क्या हिसाब है, तो इनको बुलाता हूँ मैं, तो ये बोलते हैं कि कंसेंट फॉर्म नहीं चाहिए। मैं कहा क्यों नहीं चाहिए, कुछ बात तो होगी। कह रहे नहीं चाहिए फॉर टुडे, नहीं चाहिए। मैं कहा कोई डेडलाइन की कब तक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इन्होंने मेरे को ऐसा रिप्लाई दिया, कुछ अच्छा रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैं अंदर जाता हूँ, रिसेप्शन वाले से कंसेंट फॉर्म नहीं पूछेंगे क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब अभी मैंने कंसेंट फॉर्म यहाँ पूछा है, मैं फिर यहाँ पूछ रहा हूँ कंसेंट फॉर्म। तो मैंने उससे कुछ नया पूछा जो मुझे पूछना था कि बायोमेट्रिक अनरोलमेंट और स्टूडेंट ओनली में क्या डिफरेंस है। वो प्रीमियम सर्विस बताने वाली थी, मैंने पहले ये पूछ लिया कि मैं कहा इन दोनों कैटेगरी का क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब उन्होंने पहले बोला क्या सीन है, मतलब क्या सीन है, दोनों बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक होगा दोनों से। मैं कहा कुछ अपडेट नहीं, कोई सीन नहीं है। वो हमने स्टूडेंट्स के लिए इसलिए निकाली थी ताकि स्टूडेंट्स को अलग से स्लॉट मिले और स्टूडेंट्स की इजीली बुक हो जाए। बुक होने के बाद अपडेट का कोई सीन नहीं है उसमें, मतलब स्टूडेंट्स की इजीली बुक हो जाए। पर यहाँ पे क्या हो रहा, उल्टा, मतलब बायोमेट्रिक स्टूडेंट में जगह बची है, स्टूडेंट ओनली भरा पड़ा है। तो वो स्टूडेंट ओनली बस नाम का है, तो बता रहा हूँ सुन लो, नाम का है वो बस, कोई फर्क नहीं है दोनों में। मतलब अपडेट का भी मैं बताऊंगा अभी कितने टाइम में होता है कितना नहीं होता, अपने प्रूफ के साथ बायोमेट्रिक एनरोलमेंट में देके आया हूँ, अपने प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है, कि मेरा कितनी देर में हुआ या नहीं हुआ। वेट, वीडियो को एंड तक देखो, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कोई सीन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर इतनी बात हो गई। फिर उन्होंने प्रीमियम सर्विस पूछा, प्रीमियम सर्विस चाहिए आपको, मगर नहीं। पर मुझे लगा कि ये भी बताना पड़ेगा मेरे को, तो मतलब वीडियो में बता दूंगा। तो मैं कहा चलो बता दो एक बार, है क्या प्रीमियम सर्विस में। तो फिर मैंने पूछा, जब उन्होंने बताया मेरे को कि इसमें क्या है कि आपका वन वे कोरियर की फ़ी पहले भरेंगे हम, और उन्होंने स्टार्ट ऐसे करा बात को कि जैसे कि अभी कोविड में क्या है, पहले आप कोविड से पहले को आपको एम्बेसी में हाई कमीशन में अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता था, अब वो पासपोर्ट जो है कोरियर के थ्रू जाएगा क्योंकि कोविड की वजह से। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रीमियम सर्विस देंगे इसमें हम। अच्छा, उन्होंने बताया कि कोरियर सर्विस में इशू आ जाता है कभी कभी कि कहाँ पे है कोरियर, कहाँ पे नहीं है, इस चीज़ का उन्होंने मुझे बताया थोड़ा सा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम वो आपको कंसल्ट करेंगे सारी चीज़ें कि कहाँ इशू आएगा जल्दी, कुछ वीज़ा जल्दी लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, बस यही बोला कि उसमें हम कंसल्ट करेंगे, उस कोरियर सर्विस में कंसल्ट करेंगे और वन वे कोरियर की जो फीस है वो दे देंगे, सिर्फ वन वे की, उसने एक्सप्लिसिटली बोला, सेकंड वे की आपको खुद देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना बोला, उसके ज़्यादा डिटेल में मैंने पूछा नहीं। तो किसी को कुछ इसमें और ऐड ऑन करना हो तो प्लीज़ कमेंट में ऐड ऑन करना कि इसमें और क्या सर्विस में, प्रीमियम सर्विस में और क्या ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना पूछा मैंने, फिर बोला नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक टोकन पकड़ा दिया। टोकन पकड़ाने के बाद मैं जाता हूँ अंदर, थोड़ा सा अंदर वेटिंग रूम था, वहाँ पे मैं बैठता हूँ। तो मैं वहाँ बैठा, स्क्रीन लगी हुई थी, दो बंदे को टोकन पहले ही चल रहा था वेटिंग में, मेरे को 5 मिनट में वहाँ बैठा हूँ। अच्छा, मैं वहाँ बैठा था तो एक बंदा आसपास घूम रहा था, मेरे हाथ में फ़ोन था, उसे लगा फ़ोटो खींचा होगा इसने, वो आया, इसका फ़ोटो लिया गया तुमने, इसका फ़ोटो, मैं कहा नहीं लिया है। तो मतलब मैंने ज़्यादा बहस नहीं करी कि इसका फ़ोटो ले सकते नहीं ले सकते, टोकन का फ़ोटो एक्सप्लिसिटली पूछ रहा था वो, क्योंकि अब वो मैं उससे ज़्यादा बहस करता पता नहीं, वो फ़ोन देखने लगता और पीछे के फ़ोटो देख लेता कि कहाँ कहाँ फ़ोटो खींचे इसने यहाँ पे खड़े हो गए, तो वो दिक्कत हो जाती। तो मैंने ज़्यादा बहस नहीं करी। अब क्या होता है, मैं उसके बाद मेरे टोकन पे जो नंबर था वो स्क्रीन पे आ जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि दिस टोकन नंबर काइंडली आप यहाँ पे इस 5 नंबर बूथ पे आ जाओ। मैं 5 नंबर बूथ पे जाता हूँ, अंदर से बड़ा प्यार से मेरा वेलकम होता है, गुड मॉर्निंग अरबाज़, ऐसे ऐसे करके बैठो आप सीट पे। और सीट पे बैठने के बाद क्या पूछता हूँ, मेरा तो अपना वही था कि अपने को तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी थी। फिर क्या होता है, मैं पूछता हूँ कि सबसे पहले कि बायोमेट्रिक एनरोलमेंट और स्टूडेंट ओनली में क्या फ़र्क है। तो फिर से वही मतलब रिस्पॉन्स की कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। मैं कहा क्या सीन है, मतलब इतना बच्चों को परेशान कर रखा, हम इतना परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इधर कंसल्टेंट कह रहे हैं कि 20,000 रुपये दे दो हम तुम्हारी स्टूडेंट ओनली करा देंगे, इतने केस आ रहे हैं इस चीज़ के, मतलब कि कोई कह रहे हैं कि स्टूडेंट ओनली में नहीं होगा, पता नहीं इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ BFS वाले बोल रहे हैं कुछ फ़र्क नहीं है।
वो बस ऐसे ही स्टूडेंट के लिए हमने निकाला था ताकि स्टूडेंट को मतलब एक मतलब स्लॉट पहले मिल जाए, बाद का कुछ नहीं है, सब एनरोलमेंट एक तरीके से ट्रीट होंगी, बाद का कुछ भी नहीं है। बस ये है कि अगर आपको बायोमेट्रिक एनरोलमेंट का स्लॉट मिल गया, चाहे आपको अगर सपोज आपको 21 तारीख का बायोमेट्रिक एनरोलमेंट का स्लॉट मिल गया और 24 को बायोमेट्रिक स्टूडेंट ओनली का स्लॉट मिला, तो आप बायोमेट्रिक एनरोलमेंट का स्लॉट ले लेना, क्योंकि बायोमेट्रिक एनरोलमेंट का स्लॉट जो पहले मिल रहा है वो पहले अपडेट होगा। इससे मतलब नहीं है कि वो स्टूडेंट ओनली है, बायोमेट्रिक एनरोलमेंट है और स्टूडेंट दोनों ले सकता है, ठीक है, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, सुन लो इसको। तो ये वर्ड्स जो हैं ये VFS ग्लोबल के ही हैं। अब कंसेंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। कंसेंट फॉर्म में जो हमारे बाहर भैया मिले थे उन्होंने हमको समझाया नहीं इतना, हमने इनसे फिर पूछा कंसेंट फॉर्म, चूंकि इन्होंने हमसे बोला कि हमको रिव्यू करना, जब इन्होंने बोला हमको रिव्यू करना, मैंने बोला अब तो हम इनका कुछ काम कर रहे हैं तो ये तो हमारा बहुत काम करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि भाई बताओ क्या सीन है कंसेंट फॉर्म का, क्या सीन है। तो उन्होंने भी वही रिप्लाई किया पहले तो कि क्या है कि हमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये कुछ चाहिए नहीं, और हमको सिर्फ ये बोला है कि आपको ना BIL चाहिए और अपॉइंटमेंट ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए और क्या चाहिए, और लास्ट में क्या था, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, ठीक है। मैं को बोला कब तक चाहिए, क्या सीन है, कोई डेट है? तो उन्होंने बोला एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ डेट नहीं आया हमारा, ये एम्बेसी का ऑर्डर है, एम्बेसी ने मतलब ऑर्डर है या जो भी है उसने ये, उन्होंने मेरे से ये बोला कि एम्बेसी ने हमसे बोला है कि आपको ये तीन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है, ये आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। अब जो कंसेंट फॉर्म की बात है, कंसेंट फॉर्म भी लेके जाना, ठीक है, ये अब क्या पता कल का केस हो आज का केस हो, पर कंसेंट फॉर्म लेके ज़रूर जाना। मैं कोई भी वीडियो में देख के ऐसे मत करना कंसेंट फॉर्म नहीं लेके जा, भाई कंसेंट फॉर्म ज़रूर लेके जाना। ये अब क्या पता हैदराबाद का सीन हो कहीं और का सीन हो, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम बस आपको अवेयर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि इतना टेंशन मत लो। ये अच्छा अपना मेन तो मोटिव था बायोमेट्रिक और स्टूडेंट ओनली का फ़र्क बताना, कंसेंट फॉर्म तो एक साइड की चीज़ थी, उससे आप लेके भी चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसमें 7-8 लाइन भरनी है, और ईमेल आईडी का जो इशू आ रहा है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यार, ईमेल आईडी जिससे बुक करी है वो भर दो, या जिससे बुक नहीं करी है जो आपकी पासपोर्ट में डली है वो भर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब कंसेंट फॉर्म ही नहीं मांग रहे वो इतना, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को नहीं लगता, बट स्टिल अपने एंड पे चेक कर लेना, ये मुझे लगता है, ये मेरी फीलिंग्स है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, अपने एंड पे सारी चीज़ें चेक करना, मेरे को मेरी बातें सुन के जोश में नहीं आना है, बस ये कह रहा हूँ मैं। कभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी बची वीडियो, वीज़ा में टाइम का और बायोमेट्रिक का क्या सीन है। अब उन्होंने बोला था हमसे कि अब हमको रिव्यू करना है उनको, तो हमने एक और चीज़ पूछ ली उनसे कि बायोमेट्रिक अपडेट होना या बायोमेट्रिक से और ये वीज़ा का क्या रिलेशन है। तो उन्होंने पहले तो कुछ ऐसा पहले नहीं उन्होंने बोला पहले ही टाइम पे बोला, कह रहा हाँ रिलेशन है। मैंने एक्सप्लिसिटली ये क्वेश्चन पूछा था, क्या अगर बायोमेट्रिक अपडेट लेट होता है या बायोमेट्रिक लेट मतलब लेट आप कराते हो तो उससे क्या वीज़ा डिले होता है। तो उन्होंने बोला हाँ। मैं कहा अच्छा क्यों। तो उन्होंने बोला कि बायोमेट्रिक के अपडेट के बाद आपका जो वीज़ा का असेसमेंट है वो स्टार्ट होता है। तो ये काफ़ी अनलाइटनिंग बात थी मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बायोमेट्रिक तो ऐसा ही है, बस फिंगरप्रिंट तो नहीं, लास्ट में कभी भी करवा दो कोई फ़र्क नहीं, फाइल तुम्हारा असेसमेंट यहाँ चल रहा है। बट अब ये जो वर्ड्स बोले इस पे मुझे भी थोड़ा पता नहीं, पूरी इतनी श्योरिटी नहीं है, बट सीरियसली ये वर्ड्स उस वीज़ा ऑफिसर के ही हैं जो मेरे मतलब वीज़ा ऑफिसर नहीं है यार, वो VFS ग्लोबल वाला जो मेरा बायोमेट्रिक ले रहा था उसके ही वर्ड्स हैं कि क्या कहते हैं फ़र्क पड़ता है, और जब आपका अपडेट हो जाता है उसके बाद आपकी फ़ाइल की असेसमेंट होती है। तो भाई अपॉइंटमेंट अपनी जल्दी जल्दी ले लो और परेशान मत हो स्टूडेंट ओनली और बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। एक चीज़ और जो मैंने कहाँ पे थे हम, तो जब मैं रिसेप्शन पे आया, रिसेप्शन में मेरी एक रिसीप्ट जो टोकन नंबर जनरेट करा था वो 10:28 पे जनरेट करा था। थोड़ा टाइमिंग की बात कर लेते हैं कितना मुझे देर लगा वहाँ पे, 10:28 पे जनरेट करा था, और जब मैं वेटिंग रूम में बैठा 5-7 मिनट, उसके बाद मैं VFS ग्लोबल अंदर गया वहाँ पे जहाँ पे बातचीत करी मैंने, फिंगरप्रिंट वगैरह दिए। तो उन्होंने पहले तो मेरे हैंड्स ऊपर उस पर दिखाए, जो आपको सबको पता होगा कैमरे में दिखाए, कैमरे में उन्होंने हैंड्स दिखाने के बाद क्या करा, मतलब कि हैंड्स में कुछ नहीं है ये इंश्योर करना होता है। उसके बाद उन्होंने बोला मेरे से बैठ जाओ,
नहीं, उसके बाद हैंड दिखाने के बाद उन्होंने फिंगर्स क्लोजली मेरे को ऐसे लगवाई, थंब क्लोजली ऐसे उस पर लगवाई, जो ऐसे आधार कार्ड बनता है ना वैसे ही होता, नहीं थोड़ा बड़ा होता है वैसे वो, तो उस पर हाँ आधार कार्ड जब नया नया बनता है तब होता है वैसा, सिम वाला तो छोटा होता है ना, तो वो ही होता है, तो उस पर लगवाया। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे को बैठा देते हैं, मेरी फ़ोटो ले लेते हैं, और ये सीन था। और ये मेरे को पूरी उन्होंने प्रॉपर पर्ची दे दी थी, मतलब पूरी रिसीप दे दी थी एक्नॉलेजमेंट कि आपका बायोमेट्रिक हो चुका है, कितना 10:48 पे मेरे को दे दी थी, मतलब इतना। और फालतू में मैं 5-1 मिनट उससे गप्पे लड़ा रहा था, और मैं वहाँ से 10:56 के आसपास मैं वहाँ से बाहर निकल गया था। बाहर निकल के मेरे को एक सिम भी दी उन्होंने, मतलब जो बाहर बैठे थे उन्होंने बोला कि $50 या $20 की कॉस्ट होती है सी आप कनाडा में लोगे तो, बट आप यहाँ से ले रहे हो तो आपको ये फ्री में दे दी उन्होंने मेरे को सिम। और उन्होंने कहा जब आपको वीज़ा आ जाएगा ना उसके बाद, ये वीज़ा का कुछ सीन होता है, नंबर वंबर डालना, उसके बाद आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये सीन था। अच्छा, लास्ट एक बार मैंने BIL एक्सपायरी की भी बात पूछी उससे। यार मैंने BIL एक्सपायरी की पहले तो वीडियो बनाई है, और पता नहीं मुझे समझ नहीं आता, 4-5 कमेंट ऐसे आते हैं उसमें कि VIL एक्सटेंड हो जाती है, ये बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर एक्सटेंड होता ही नहीं होता है। मतलब मैंने पूरी वीडियो बनाई है उस पर 12-13 मिनट की, उसमें मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन करी है सारी चीज़ें, उसके बाद भी लोग नीचे पूछते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है मतलब मैंने वीडियो की बनाई है वो, मतलब लिटरली मतलब ऐसा लगता है फ़ायदा क्या वीडियो बनाने का, मतलब वीडियो बनाई है ना उसमें देख लो ना यार, मतलब हर चीज़ मतलब बिल्कुल चम्मच में दे दूँ, मतलब यार खुद से अच्छा नहीं लगता ना जब देख रहे हो तो, मतलब काम करा है उसके बाद भी आप बार बार उस चीज़ को पूछ रहे हो, ठीक है मतलब। तो अच्छा, BIL पे एक अपडेट और कर देता हूँ। तो BIL में मेरे को उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद ही बोली ये बात, तो मैंने नहीं पूछा था, क्या कि उन्होंने बोला कि BIL पे भी लोग परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि BIL हम 2019 के भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, उसने बोला कि ये 30 दिन के लिए होता है ना, बट वी आर एक्सेप्टिंग इट फ्रॉम इवन BIL लेटर्स ऑफ 2019। मैं कहा ओह, तो ये बड़ी अमेजिंग बात थी। तो BIL पे तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए आपको, BIL चाहिए, पासपोर्ट ओरिजिनल, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर चाहिए जब आप वीज़ा फाइल करते हो तब मिलता है और लेना ज़रूर है, पासपोर्ट चाहिए, अपॉइंटमेंट की एक हार्ड कॉपी चाहिए, पासपोर्ट ओरिजिनल चाहिए, कंसेंट फॉर्म भी लेके जाना है, ठीक है ठीक है। लास्ट में मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि मेरा अपडेट कब हुआ, कब नहीं हुआ, कितने टाइम में अपडेट हुआ। तो आज ये मैंने अपनी GC की जो है वो 2 बजे के आसपास खोली थी लॉगिन, तो मेरे को ये दिखा September 23, 2021 कंप्लीट, मतलब मेरा बायोमेट्रिक एनरोलमेंट से मेरा अपडेट GC की पे भी हो चुका है। सेक्सी, मज़ा आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।